निकले परम सुंदरी। नई लत्ता पहने आज मामी ने, एक फोटो खींचो, एक फोटो खींचो, तो ब्लॉग बनना है गाइस। अच्छा ब्लॉग बनना है। दिवाली, हैप्पी दिवाली की जगह बच्चे कह रहे हैं हैप्पी होली, कुछ भी बोल सकते हैं ये लोग, कुछ भी। दीदी भी रेडी हुई कि नहीं हुई? चलो चलो। दीदी कपड़े पहनोगे, रेडी होगी कि नहीं? अभी ना गए, मैंने सुबह से अपना मुंह नहीं धुलाया, मैं नहा ली थी, अब उसका मैं अपना मुंह धुल लूं उसके। वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ मेरी फैमिली एकदम स्वस्थ होगी और मस्त होगी। गुड इवनिंग सभी को, हैप्पी दीपावली मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी के लिए। आज का ब्लॉग मैं कर रही हूँ साढ़े शाम के कितने बज रहे हैं, 6:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज का ब्लॉग। लग गई है और बाहर से घर हम दिखाएंगे, बने रहिए एंड तक। अभी मैं जा रही हूँ छत पे, देखते हैं क्या हो रहा है। मैं भी सो गई थी, मुझे पता नहीं था मेरे सर में दर्द हो रहा बहुत तेजी वाला। तो यहाँ पूरी पार्टी बैठी हुई है और हमारा घर देखो, मामा ने ग्रिल पे भी लगा दिए पूरे में लाइट, और ये भाई इधर रंगोली बन रही है। हेलो गाइस, हेलो, क्या हो रहा है ये? रंगोली गाइस, रंगोली बन रही है, जरा देखो कैसी बनी है, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कैसी बनी है ये, कैसी रंगोली। और ये रंगोली बनाने वाला कौन है भाई? वैष्णवी पाल। वैष्णवी देखो इन्होंने रंगोली बनाई है, बच्ची के हिसाब से काफी अच्छी रंगोली बनाई है। हाँ ये महारानी बैठी हुई है, पहले से रंगोली बना रही है। और ये मेरी रिंग लाइट है इसका, जो कि मैं कुछ नहीं करती, फालतू रखी रहती है, बस ला के रख ली है सो के लिए, इसका हो कुछ नहीं पाता है। एक दिन जरूर ताना पड़ेगा मेरे पे, बस लाने का शौक है और कुछ नहीं। तो ये भाई आ चुके हैं देखो, अब पूजा पूजा नहीं कर रही हो, नए लगते वस्ते पहन लो, हमारे यहाँ किसी ने नए कपड़े नहीं पहने जा रहे हैं दोस्तों। जरा कमेंट करके जरूर बताना हमारी रंगोली कैसी बनी हुई है भाई, इनकी एक बार रंगोली देख लो, रंगोली का जरूर कमेंट कर देना, किसी का करो या ना करो। देखो गाइस मैंने बनाई है। हम चलते हैं फटाक से नीचे क्योंकि हमें और भी काम करना है, पूजा वूजा की तैयारी कर रहे हैं। और नए कपड़े तो मैं पहनने से नहीं रही क्योंकि मुझे मुहूर्त का मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ना बार बार कपड़े चेंज करने में बहुत आलस आता है, मैं बार बार। और एक रंगोली है ना वो हमने बनाई नहीं है, ऐसे ही मतलब तो आपके लिए चिपका दिया, पेपर की है बीच वाले पोर्शन में बन रही है और चिपका दिया है। अब हम लोग फटाक से काम कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या हो रहा है हमारे यहाँ, दीपक दीपक। चलो हम कर लेते हैं पूजा की तैयारी, मिलते हैं उसके बाद, बने रहिए एंड तक, देखते हैं क्या क्या होता है क्या नहीं, और जो भी होगा सब आपके सामने होगा। तो गाइस हमने अपना ये माता रानी का, सॉरी लक्ष्मी जी और गणेश जी का स्थान बना दिया है, यहाँ पे पूजा होगी। और ये दीपक दीपक भी हमने रख दिए हैं सही से, अब यहाँ पूजा होगी। और मामा देखो, मामा मुंह धुलाए तुम, पूजा करोगे? और आज की पूजा करेंगे मामा, आज मामा का टाइम, कैलेंडर लगाएंगे अभी, कैलेंडर लगाने के बाद में फिर पूजा करेंगे। टेप लाओ, टेप कहाँ रखा है? तो गाइस दीदी, हाय, आई मीन गाइस, हाय गाइस। तो ये देखो ये मेकअप वेकअप करके आ चुकी है, मेकअप नहीं करा है मैंने अभी, कपड़े पहने हैं, हल्का हल्का मैं लग तो रहा है, आप झूठ बोल रही हो। तो भाई ये दिवाली की फूल झड़ियां तैयार होके आ चुकी हैं, और एक ही छोटा पटाखा, छोटा पैक बड़ा धमाका। हेलो गाइस, ये कैटरीना कैफ लग से, पहले अपने बाल सही करके आओ। हेलो फ्रेंड, अपने आईज क्लोज करो भाई, इनका मेकअप किया है किसने किया, आपकी अम्मा ने? मम्मा, अम्मा बोलो चाहे मम्मा, एक ही बात है। तो भाई ये तैयार वैयार होके आ चुके हैं, एक ही हमारी परम सुंदरी तैयार हो रही है हमारी ताई। और मुझसे तो उम्मीद रखना मत क्योंकि मैं कपड़े अपने कुछ चेंज नहीं करने वाली हूँ, मैं एक नंबर की लेजी लड़की हूँ। इसके बाल ऐसे कड़े हो गए हैं एक तरफ से। चलो गाइस अब इनको तैयार वैयार कर दे, आप आज के ब्लॉग एंड तक जरूर देखना, ये सारी बच्चा पार्टी की तरफ धमाल मचाने वाली है ना बच्चा पार्टी। गाइस मैं कपड़े वपड़े चेंज करके मैं रेडी हो चुकी हूँ, और दीदी भी रेडी हुई कि नहीं हुई? चलो चलो। दीदी कपड़े पहनोगे, रेडी होगी कि नहीं? अभी मैं
अभी ना गाइस मैंने सुबह से अपना मुंह नहीं धुलाया, मैं नहा ली थी। अब उसके बाद मैं अपना मुंह धुल लूं, उसके बाद मैं कपड़े चेंज करूं या ना करूं कंफ्यूज हूं, क्योंकि यहाँ गांव में हो ना तो सही लगता है। कि गांव में ना ऐसा होता है कि एक दूसरे के घर जाओ घूमने तो अच्छा लगता है, और रहना घर में ही, कपड़े चेंज कर लो तब भी घर में रहना, ना करो तब भी घर में रहना है। तो मैं एक नंबर की लेजी गर्ल हूं, सोच रही हूँ कपड़े अगर मामी चिल्लाएंगी, मामी ऐसे मुझे चिल्ला रही है, मामी चिल्लाएंगी तो मुझे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, बन रही है। और अगर नहीं करेंगे तो मैं भी चिल्लाऊंगी, फिर आपको करने करने पड़ेंगे। मैं रेडी हो चुकी हूँ पूजा करने के लिए। ओके चारों आ गया है एकदम रेडी होके। तो ये बोल रही है अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छा करूंगी, मुझ पर भरोसा करो। फाइनली जितना हो सका मैंने खुद को रेडी कर लिया, इससे ज़्यादा तो होना नहीं है, क्योंकि जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। बट मामी की डांट खाने के बाद कपड़े तो चेंज करने पड़ गए। मामी इतनी तेज चिल्ला के पड़ी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने सावधानी से कपड़े अपने चेंज कर लिए और थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया। लग रही हूँ ना मैं बेकार, बिल्कुल सही बात है। तो भाई अब पूजा स्टार्ट हो गई और मेरे साथ ना सुबह से एक हादसा होया जा रहा है, मेरे चोट ना लगे जा रही है। अभी मैं पता है कपड़े चेंज कर रही थी तो मेरे इतनी तेज से ना अलमारी का वो लग गया, देखो मेरे ब्लड निकल रहा है, देखो ये रहा। मतलब पता नहीं आज क्यों हो रहा है मेरे साथ, सुबह से मेरे चोट लगे पड़े हैं यार, पर कोई नहीं। गाइस हमारे यहाँ पूजा की व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, देख सकते हो। मामी जी। आज मामी कहती परम सुंदरी लग रही है। मामा अपनी आरती करने लग गए। नन्नू हेलो बोलो। हेलो। तो कैसी परी लग रही है ना, उड़ने वाली है थोड़ी बहुत देर में ये। लोग फटाक से पूजा कर ले फिर मिलते हैं आपको। और मेरे को तो सुबह से चोट लग रही है, मैं कुछ बता नहीं सकती, बहुत परेशान। मामी लगा रही सबको टीका, इन बच्चियों को भी लगा देना। टीका लग चुका है, अब लग रहा है मैंने पूजा करी है। मामी थोड़ा सही लगा दो ये। I love you, mommy, I love you. और मामी देखो ये हमारी हैप्पी दिवाली बोलो। हैप्पी दिवाली। ये हमारी भाई गली की हमारी पड़ोसन है, हमारी सिस्टर ही मान लो, देख लो भाई ये। तुम भी दिखाओ कब्बो। तो भाई सौम्या का टीका, तुम्हारा नाम सौम्या है ना, तो हाँ। सौम्या का टीका लग चुका है। ये इनका नाम है सौम्या और इनका नाम है कब्बो, ये दोनों बहने बहने हैं। जब हम पूजा कर रहे थे तभी आ गई थी। चलो पटाखे पटाखे फोड़ेंगे, सही है, यही रहना और मस्ती करेंगे। और देख लो अब मैं लग रही हूँ संस्कारी बच्ची, थोड़ा सा तिरछा लगा दी मेरा टीका। मैंने ना एक न्यू लुक दिया है इस टॉप को, ये वाला, तो मामा कह रहे हैं ये क्या कर लिया। तो हमारे यहाँ पूजा वगैरह हो गई है, अब हम बहुत सारी मस्ती करेंगे। बस आप लोग एंड तक देखना जरूर, और ये ज़्यादा ब्लॉग बड़ा नहीं होगा, और इसमें कुछ भी हम काटिंग मतलब कुछ भी हम इसमें कटिंग नहीं करेंगे, और ना ही कुछ इसमें से काटेंगे ना एडिट करेंगे। ये रियल ब्लॉग है, इसमें जो भी हम करेंगे वो सब रियलिटी का आपको मिलेगा। और फाइनली हमारे यहाँ पूजा हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं छत पे दीपक रखने, मतलब जो हमने रंगोली बनाई थी नंदू ने उसमें, और छत पे लगा के आएंगे। तो हम लगा लेते हैं गाइस। दिवाली बड़ा अच्छा लगता है सच में, मुझे होली पसंद नहीं है क्योंकि मैं होली पे ना कलर वलर से मुझे बहुत दिक्कत है। ये भी आ चुकी है दादी, तो हम अभी दीपक लगाएंगे। देखो कब्बो भाई गाड़ी चलाने लग गई, पटाखे वटाखे नहीं चलाओगे लल्ली? हाँ चलाएंगे। चलाओगी? अपना नाम बता दो। काव्या। काव्या, अच्छा। प्यार में उसे? प्यार से नाम है कब्बो, और मुझसे तो नाम कर जाए कोई करवा ले, मैं बॉयज का नाम भी चेंज करती हूँ, गर्ल्स का भी चेंज कर देती हूँ। नाम कर तो मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। नंदू रिंग लाइट हटा दो वहाँ से वरना वो बेकार हो जाएगी। तो फाइनली हमने दिया भी लगा दिया है, और देख सकते हो अभी नंदू उसको डेकोरेट कर रही है अच्छे से। वो हमारी रिंग लाइट है, हमने उधर रखवा दी क्योंकि ये बार बार पैर लग रहा है टूट जाएगी। बेटा उससे दूर रहना ठीक है। और मैं ये देसी घी का जो दीपक है एक उसको मैं लगा दूंगी, उसको मैं रख दूंगी तुलसा जी के। मैं जा रही हूँ नीचे। कहाँ जा रही हो? ये है दिवाली की फूल झड़ियाँ। मामी मामी नीचे दिए लगा रही हैं। ऊपर कैंडल लगा के नहीं आएंगे छत पे? मामा कहाँ गए? देखो मामी कर रही है भाई पूजा वूजा। आज मामी ने पहली बार आर्टिफिशियल झुमकी पहनी है यार, देख सकते हो प्यारी प्यारी लग रही है। शॉर्टी कुड़ी क्या कहते परम सुंदरी। नहीं लगता पहने आज मामी ने। एक फोटो खींचो, एक फोटो खींचो। तो ब्लॉग बनना है गाइस। अच्छा ब्लॉग बनना है।
तो अभी हम कैंडल लगा देते हैं छत पे जाके। हाँ क्या चीज तो हम जा रहे हैं मेन गेट पे दिया लगाने। कर जाती है सारी चीजें सूख में। काली की फुल झड़ी गर्ल्स के लिए बोलते हैं कि बस यही होते हैं, लेकिन अभी तुमको दिखाऊंगी गर्ल्स के लिए क्या होते हैं पटाखे। हमको सिखा रही है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। कब और हम जा रहे हैं छत पे कैंडल लगाने, क्योंकि अब तक कैंडल नहीं लगी थी और हमने सारा काम कर लिया है। क्योंकि यार पूरे घर में तो लाइट लाइट लग गई, तो कैंडल लग के क्या ही होगा, कैंडल लगने की जगह ही नहीं है ना यहाँ पे। थोड़ी लाइट कम है, राइट। मामा ने पूरी ग्रीन पे लगा दिया। ये हैप्पी दिवाली गाइस, धमाके धमाका हो रहा है इधर से उधर, बट मामा ने काम किया सारा का सारा, ऐसे छला छोड़ दिया, छिड़ी बिड़ी कुछ हटाई नहीं है, ऐसे छोड़ दिया। देख सकते हैं हमारे घर से नीचे तक का क्या हो रहा है। तो अभी हम कैंडल लगा दे, पहली जितनी भी कैंडल थी वो हमने लगा दी हैं। और सबसे ज़्यादा हेल्प की है मेरी इस छोटी सी प्यारी सी सिस्टर या बच्ची, कुछ भी समझ लो, मेरी बहनी है ये। मतलब गाँव में त्योहार मनाना किसको अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ पे पता है कपड़े अपड़े पहन लो बस, अपने घर घर में इधर से उधर नाचते रहो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और गाँव में हो एक दूसरे घर घूमने जाओ और सबसे लेके आओ, अच्छा लगता है थोड़ा। और यहाँ तो कोई किसी घर ही नहीं जाता आता, तो बड़ा अजीब लगता है। और मैं अपनी मम्मी को अभी वीडियो कॉल करूँगी गाँव में, देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं वीडियो कॉल करूँगी। अभी शायद वो लोग पूजा वूजा कर रहे होंगे, अभी मैंने करी थी, उन्होंने उठाई नहीं थी। अब मैं फिर से उनको वीडियो कॉल करूँगी, फिर मम्मी से बात करूँगी। और आप लोगों के यहाँ पे दिवाली कैसी रही वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। हमारी दिवाली तो जो भी आप लोगों के सामने है। और मैं पटाखे पटाखे चलाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है, मैं एक नंबर की फट्टू इंसान हूँ, मुझे पटाखों से बहुत डर लगता है। आप पटाखे चलाते हो? हाँ। तो अभी देख सकते हैं, मैं आपको अपने यहाँ का यह व्यू दिखाती हूँ पूरा, कैसा क्या दिख रहा है यहाँ पे। रेड लाइट इसलिए रेड फेस पे फोकस आ रहा है। तो भाई हमारे सामने वाली दीदी ने अभी न्यू पेंट कराया है, उनका घर कैसा लग रहा है देख लो। और ये हमारे घर देख सकते हो, अपनी छत से पूरा व्यू दिखा रही हूँ। हाँ बेटा चल रहे नीचे। और देख सकते हो भाई हमारी गली में, मैं अपनी सबसे ऊपर वाली छत पे खड़ी हुई हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। सब यहाँ पे लाइट ही लाइट दिख रही है। और हमारे यहाँ की लाइट देखो, ऐसे ऐसे दिखा सकती हूँ। नीचे चले गए हैं और मैं भी अब नीचे जा रही हूँ, क्योंकि मैं अकेले क्या करूँगी ऊपर। मैं भी देखती हूँ ये लोग पटाखे चलाएंगे, मैं ऐसे इंजॉय करूँगी चिल्ला चिल्ला के। और भाई तो हमने कैंडल लगा दी जितनी भी थी सारी की सारी। मामी क्या कर रही हो? तो मामी के इरादे लग रहा है मामी पटाखे वटाखे चलाएंगे। क्यों, आप पटाखे चलाने के इरादे हैं क्या? फुलझड़ी चलाएंगे हम हैं ये है दिवाली की फुलझड़ी, तो ये फुलझड़ी चलाएंगे। और मुझे पटाखों से लगता है डर, तो मैं तो नहीं गाइस पटाखे भी चलाएंगे, अनार भी चलाएंगे, बम भी चलाएंगे, बम पिरदू देखो पढ़े लिखे लोग प्रदूषण फैलाएंगे, तो बताओ गाँव के लोग कैसे दोस्तों। मैंने जगह ही चलाई थी, देखा ही नहीं तुमने, देखा ही नहीं तुमने। और सबसे ज्यादा प्रदूषण ये लोग फैला रहे हैं, तो गांव के लोग तो और ज्यादा फैलाएंगे ना। ठीक है ज्यादा धमाके से पटाखे यूज नहीं करने हैं। लगने लग गई है भूख बीच में ही, तो अब मैं पहले पेट पूजा करने के लिए कुछ देख रही हूँ। कुछ खाने पीने के लिए है मामी क्या? नो आंटी, मिठाइयाँ खाओ, मिठाइयाँ खाओ, आज बस मिठाइयाँ मिलेंगी। तो मैं बता दूं आपको, मुझे इसमें मिले हैं 500 का नोट, और ये लक्ष्मी को दिया था ना घर की, तो मैं घर की लक्ष्मी हूँ तो मुझे मिलेगा ये, तो मेरी नियत इस पे है कि ये मुझे मिलेगा। है ना मामी, ये मेरे लिए है। और ये है मिठाइयाँ जो कि मैं ही खाऊंगी थोड़ी देर में, आप लोगों से बोलूंगी आप खा तो पाओगे नहीं, इसलिए जो हो नहीं सकता उसे कहना बेकार है ना। सीता गीता, अभी सीता गीता यार क्यों फाड़ेगी सीता गीता को, सीता गीता को क्यों फाड़ेगी, सुंदर सी लड़कियों को बताओ। शीत और गीता को फाड़ रहे, किसी का नाम होगा यार, कोई बुरा मत मानना प्लीज। तो फाइनली गाइस मेरी दिवाली एंजॉय हो चुकी है, और जितना हो सका मैंने एंजॉय किया, और सभी लोग घर से बाहर हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। मुझे पटाखों से डर लगता है, इसलिए मैं शांति से अंदर आके बैठ गई हूँ। वो लोग मेरे कान में पटाखे फोड़ रहे थे। और मेरी मम्मी की गाँव से कॉल आई है कि मुझे गाँव जाना पड़ेगा, मेरे जो भाई है ना, मेरा एक ही भाई है वो सबसे छोटा है, तो उसका बर्थडे है कल, और मैं जाऊंगी गांव, वो सुबह वाली ट्रेन से जाऊंगी। मुझे टाइम नहीं पता है ट्रेन का कितने बजे से कितने बजे तक का है, बट वो मामा बता देंगे। मैं तब तक पैकिंग कर लेती हूँ, अपना बैग वैग पैक कर लेती हूँ, और मुझे थोड़ा सा और काम है वो कर लेती हूँ,
और गाइस हाँ, मेरे गांव की वीडियोस आएंगी, बिल्कुल देखना मत भूलना मेरी वीडियोस को, जरूर देखना। मैं गांव जाऊंगी, 4-5 दिन के लिए मैं गांव जा रही हूँ और मेरी सारी की सारी गांव की वीडियोस आएंगी, जरूर देखना ठीक है। और आप लोगों की दिवाली कैसी गई वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक तो करना बनता है, लाइक कर और सब्सक्राइब करो या ना करो वो आपके हाथ में है। और आप सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरा न्यू ब्लॉग आएगा वो आपको जरूर मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना जिससे कि जो मेरा न्यू ब्लॉग आए, जो मेरी न्यू वीडियो आए वो आप लोगों तक पहले पहुंच जाए। लव यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री महाकाल।